अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जिसका डर था वही हुआ। मेरठ भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के PSO व उसके भाई की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। हाँ, उनकी मां की रिपोर्ट जरूर नेगेटिव आई है, लेकिन PSO के कोरोना की गिरफ्त में आने, भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के करीबी होने, मुकेश सिंघल के रोजाना मोदी किचन में जाने, पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ रोजाना ही तमाम गतिविधियों में सहभागी बनने से पूरा जिला प्रशासन में पुलिस के आला अफसर खुद परेशान उठे हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश का भी आज कोरोना टेस्ट ले लिया गया है, साथ ही उन्हें भी घर से कहीं अनियंत्रित ले जाया जा रहा है। दोपहर से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज उनके घर पर दस्तक दे दी थी। भाजपा महानगर अध्यक्ष की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आ जाती है तो यह शहर व तमाम अधिकारियों की पेशानी पर बल डालने वाला साबित होगा। कोरोना को लोग अभी तक हल्के में ही ले रहे हैं, यही कारण है कि लॉकडाउन का पालन उतनी सख्ती से नहीं हो पा रहा है जितना किया जाना चाहिए। मेरठ में लगने वाले बाजार इसका गवाह भी हैं। बीता कल मेरठ के लिए खासी हलचल व परेशानी वाला साबित हुआ। एक के बाद एक कई मामले सामने आए। लिसाड़ी गेट के अहमद नगर में 4 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद कुछ लोग संभले ही थे कि शाम होते होते TP नगर के मुल्तान नगर साबुन गोदाम से राकेश शर्मा के कोरोना पॉजिटिव की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टीम ने तुरंत ही सभी को कवर कर लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पता चला कि राकेश शर्मा का पुत्र भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल का PSO है, चारों तरफ बेचैनी फैल गई। आनन फानन में एहतियातन भाजपा द्वारा चलाई जा रही नमो व मोदी रसोई का संचालन बंद कर दिया गया। गंभीर बात यह है कि भाजपा महानगर अध्यक्ष पिछले कुछ दिनों से सांसद राजेंद्र अग्रवाल व जिलाधिकारी अनिल ढिंगरा के साथ कई जगह देखे गए हैं। हाल ही में बेगमपुर पर ADG प्रशांत कुमार के साथ महानगर अध्यक्ष ने किट का वितरण किया था। महानगर अध्यक्ष जिस जिस के भी संपर्क में रहे वे सभी कोरोना हिस्ट्री के दायरे में आ गए हैं। सूत्रों ने बताया कि आज मुकेश सिंघल का भी कोरोना टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। साबुन गोदाम निवासी PSO व उसका भाई भी पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल मुकेश सिंघल को उनके बागपत रोड स्थित वर्धमान ग्रीन से कहीं और शिफ्ट यानी आइसोलेट किया जा रहा है। इस खबर में आज इतना ही। खुद का बेहद ख्याल रखें, यह भी दिमाग से निकाल दें कि हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा दिमाग में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वाक्य याद कर लें जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोरोना जाति, धर्म, मजहब व व्यक्तित्व प्रभाव नहीं देखता, लिहाजा अपना बेहद ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।